हिमाचल ने कर दिखाया। 18 वर्ष से अधिक आयु की 100% आबादी को मिला कोविड का पहला टीका। मुश्किल चाहे जो रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन को सिद्धि तक ले जाने में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके नेतृत्व में तैयार हुई कारगर टीकाकरण रणनीति से हिमाचल बना 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य। यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था। एक तरफ कोविड के संक्रमण पर काबू पाने की चुनौती थी, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और जन जन के सहयोग से ये तमाम बाधाएं पार करते हुए हिमाचल ने टीकाकरण का कीर्तिमान रच दिया। सरकार ने राज्य में 18 साल व इससे ज्यादा उम्र के 53,77,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा था। राज्य में अब तक 55,00,000 से अधिक लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। यह आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। जयराम सरकार को सिर्फ राज्य के नागरिकों की ही चिंता नहीं है। हिमाचल आने वाले पर्यटकों, बागवानी से जुड़े प्रवासी श्रमिकों आदि का भी टीकाकरण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए विशेष केंद्र बनाए गए हैं। जो लोग इन केंद्रों पर नहीं आ सकते, उनका डोर टू डोर जाकर टीकाकरण कराया जा रहा है। दुर्गम क्षेत्रों वाले इस पहाड़ी राज्य में यह मुकाम हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कोविड प्रबंधन बेजोड़ रहा। टीकाकरण कार्यक्रम में लगी टीम से नियमित संवाद किया गया। इस अभियान में तमाम लोगों ने अपना योगदान दिया। टीचिंग स्टाफ, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत प्रतिनिधियों के परिश्रम से हिमाचल ने यह उपलब्धि हासिल की। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाली जगहों पर टीकाकरण बड़ी चुनौती थी। कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में हेलीकॉप्टर से टीम भेजकर 100 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कराया गया है। कई स्थानों पर किलोमीटर पैदल चलकर भी वैक्सीन पहुंचाई गई। यह बानगी है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। इन अथक प्रयासों के बल पर सफल हुई टीकाकरण कार्यक्रम की वजह से हिमाचल वासियों को कोविड महामारी से सुरक्षा प्राप्त हुई। वायरस के संक्रमण पर रोक लग पाई और इसके कारण होने वाली निरंतर मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई। वैक्सीनेशन अभियान राज्य की जनता के लिए सुरक्षा कवच सिद्ध हुआ है। तय लक्ष्य के साथ पूरे हुए टीकाकरण कार्यक्रम की बदौलत ही लंबे समय से रुकी हुई आर्थिक, व्यापारिक, प्रशासनिक व अन्य दैनिक गतिविधियां फिर से गति पकड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्नेह हमेशा हिमाचल वासियों को मिलता रहा है। राज्य ने जब भी वैक्सीन की मांग की तो वह समय पर पूरी की गई। राज्य में जब भी कोई आपदा आई तो उन्होंने हमेशा कठिनाइयों के बीच उम्मीद की राह दिखाई और मनोबल बढ़ाया। शीर्ष की इसी प्रेरणा और विश्वास से हिमाचल प्रदेश ने असंभव को संभव कर दिखाया। जन जन की भागीदारी, कोविड से सुरक्षा की तैयारी।